हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा। यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूं। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहां पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूजर मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए हम एक यूजर का यूज करते हैं। यूजर जिसे हम लोग दोस्तों अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल आपको देता हूं। दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल बार बार मैं इसलिए देता हूं क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से हम सभी लोग जो हैं वो काफी ज्यादा फेमिलियर होते हैं। तो जिस तरह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग तीन टाइप के यूजर क्रिएट करते हैं। फर्स्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटर यूजर या एडमिन यूजर। दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिन यूजर जो है एक ऐसा अकाउंट होता है, एक ऐसा यूजर होता है जिसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी टाइप की एडिटिंग मॉडिफिकेशन करने के लिए फुल परमिशन होती है। सेकंड होता है स्टैंडर्ड यूजर। दोस्तों, स्टैंडर्ड यूजर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग एक ऐसे अकाउंट को बोलते हैं जिसे हमारी मशीन को ऑपरेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक लिमिटेड परमिशन होती है। स्टैंडर्ड यूजर जो होता है वो हमारी मशीन को ऑपरेट कर सकता है लेकिन हमारी मशीन के अंदर किसी भी टाइप की एडिटिंग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। दोस्तों, थर्ड होता है गेस्ट अकाउंट। गेस्ट अकाउंट को भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर किसी भी टाइप की एडिटिंग मॉडिफिकेशन करने की परमिशन नहीं होती है, जस्ट ये मशीन को ऑपरेट करता है। तो दोस्तों, जिस तरह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग तीन टाइप के अकाउंट यूज करते हैं, एडमिन अकाउंट, स्टैंडर्ड अकाउंट एंड गेस्ट अकाउंट, इसी तरह दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग तीन टाइप के अकाउंट ही यूज करते हैं या फिर तीन टाइप के यूजर यूज करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक पिक्चर की हेल्प ले रहा हूं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग तीन टाइप के यूजर क्रिएट करते हैं। फर्स्ट होता है दोस्तों सुपर यूजर। दोस्तों, सुपर यूजर जो होता है इसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर किसी भी टाइप की एडिटिंग मॉडिफिकेशन करने के लिए फुल परमिशन होती है, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एडमिन यूजर को होती है। तो सुपर यूजर जो होता है ये हमारी मशीन के अंदर बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, जिसका नेम होता है रूट। दोस्तों, रूट जो होता है ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है जब हम लोग किसी भी मशीन के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। सेकेंड होता है सिस्टम यूजर। दोस्तों, सिस्टम यूजर होते हैं सर्विसेज। जब भी हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक सिस्टम अकाउंट भी क्रिएट हो जाता है, जिसे दोस्तों हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सर्विसेज के नाम से जानते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसे हम लोग जानते हैं सिस्टम यूजर के नाम से। थर्ड होता है नॉर्मल यूजर। जिस तरह दोस्तों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग स्टैंडर्ड यूजर यूज करते हैं जिसे हमारी मशीन पर एक लिमिटेड परमिशन होती है, इसी तरह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल यूजर। तो दोस्तों, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी हम लोग तीन टाइप के यूजर क्रिएट करते हैं या यूज करते हैं। फर्स्ट होता है सुपर यूजर, जिसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर फुल परमिशन होती है और ये बाय डिफॉल्ट होता है रूट यूजर। सेकंड होता है सिस्टम यूजर, जिसे हम लोग सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड होता है नॉर्मल यूजर, जिसे हमारी मशीन पर एक लिमिटेड परमिशन होती है। इसके बाद
दोस्तों इंटरव्यू के अंदर सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये होता है कि सुपर यूजर की यूजर आईडी क्या होती है। दोस्तों जब भी हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी यूजर क्रिएट करते हैं तो मशीन जो है उस यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूजर आईडी भी असाइन करती है। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सुपर यूजर होता है उसकी यूजर आईडी जो होती है वो होती है 0। सिस्टम यूजर की जो यूजर आईडी होती है वो स्टार्ट होती है दोस्तों 1 से लेकर 999 तक। जो हम लोग नॉर्मल यूजर क्रिएट करते हैं उनकी जो यूजर आईडी होती है दोस्तों, उनकी यूजर आईडी स्टार्ट होती है 1000 to 60,000। तो दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग ये तीन टाइप के यूजर क्रिएट करते हैं या यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर आप किसी भी टाइप का यूजर क्रिएट करना चाहते हैं तो उनके लिए हम लोग ये कुछ कमांड्स यूज करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूजर को मैनेज करने के लिए। जैसे कि सबसे पहले आता है यूजर ऐड। दोस्तों यूजर ऐड कमांड जो है वो हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज करते हैं किसी भी यूजर को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सेकंड कमांड होती है यूजर मोड। दोस्तों यूजर मोड कमांड जो है वो स्पेशली यूज की जाती है किसी भी यूजर की प्रॉपर्टीज को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए। थर्ड कमांड होती है यूजर डेल। दोस्तों यूजर डेल कमांड जो होती है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी यूजर को कल्टी मारने के लिए यूज की जाती है, यानी कि यूजर को डिलीट करने के लिए जो कमांड यूज की जाती है वो होती है यूजर डेल। तो ये तीन कमांड दोस्तों हम लोग यूज करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूजर्स को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी होती है जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को होल्ड करके रखती है यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड। जैसे कि सबसे पहले आता है रूट पार्टीशन के अंदर दोस्तों एक रूट नाम की डायरेक्टरी होती है। हमेशा ध्यान रखना सुपर यूजर की जो होम डायरेक्टरी होती है वो होती है रूट पार्टीशन के अंदर रूट नाम की डायरेक्टरी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सुपर यूजर की जो होम डायरेक्टरी होती है वो होती है रूट पार्टीशन के अंदर रूट नाम की डायरेक्टरी। इसके बाद जो भी हम लोग यूजर क्रिएट करते हैं मैनुअली, यानी कि स्टैंडर्ड यूजर जिसे हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नॉर्मल यूजर के नाम से भी जानते हैं, नॉर्मल यूजर की जो होम डायरेक्टरी होती है वो रूट पार्टीशन के अंदर होम नाम की डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर नॉर्मल यूजर की इंफॉर्मेशन सेव होती है। सेकेंड होती है रूट पार्टीशन के अंदर etc नाम की डायरेक्टरी के अंदर passwd नाम की फाइल होती है। दोस्तों इस फाइल के अंदर सभी यूजर्स की इंफॉर्मेशन सेव होती है, चाहे वो हमारा सुपर यूजर है, चाहे सिस्टम यूजर है या फिर एक नॉर्मल यूजर है। फोर्थ होता है शेडो फाइल। दोस्तों रूट पार्टीशन के अंदर etc डायरेक्टरी के अंदर एक शेडो नाम की फाइल भी होती है। दोस्तों शेडो फाइल के अंदर यूजर की पासवर्ड इंफॉर्मेशन और पॉलिसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो दोस्तों ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड और डायरेक्टरी होती है जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये कुछ कमांड्स होती है जिसके द्वारा आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग कितने टाइप के यूजर यूज करते हैं, उनकी यूजर आईडी क्या होती है, कमांड क्या होती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी यूजर को मैनेज करने के लिए, और कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज होती है जो हम लोग यूजर मैनेजमेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन कमांड्स को और इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को और डायरेक्टरी को यूज करना डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा।
चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। CCNA स्विचिंग 41, CCNA राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोज़ का।